أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

जो बातें आपके साथ ख़ास हैं और जो मकाम और शर्फ़ अल्लाह रब्लमी ने आपको अता किया है दुनिया में और आख़रत में और खसूस दूसरे अम्बिया के मुकाबले में जो फ़दायल और खसूसियात आपको अल्लाह की तरफ़ से की गई हैं इन वाले दुरूस में ये फ़दाइल और ये खसूसियात हम इनका तस्करा करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे पिछले दर्स में आखिरी बात जहां आकर हम रुक गए थे वो ये थी कि अल्लाह ताला ने पिछली किताबों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया है तौरात और इंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा और आपकी सिफात बयान की गई हैं इसी तरह से पिछले नबियों ने अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी दी जिनमें सेसा सलाम का जिक्र ख़ुद अल्लाह ताला ने करीम में किया है सुर अफफ़ में आयत नंबर छः में अल्लाह ताला फ़रमाता है व इदीसीबन मरियमा या बनी इसराइल इन्नी रसूल अल्लाई को जब ईसा इब्न मरियम ने बनी इसराइल से कहा ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह की तरफ़ से भेजा हुआ रसूल हूँ मुसद कलमा बेना मिन तौरा और मुझसे पहले जो तौरात दी गई थी उस तौरात की मैं तस्दीक करता हूँ उसको मैं सच्ची किताब मानता हूँ उसकी बातों की मैं तस्दीक करता हूँ उसको कबूल करता हूँ उसको सच बताता हूँ व मुबरम ब रसूल इन यह अची इम्बादी अहमद और मैं एक रसूल की खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम जिसका नाम अहमद होगा फलम मा जया अहम बिलबियनाथ क़ोद सेहरुम मुबीन तो जब ये रसूल उनके पास खुली दलीलें लेकर आया तो इन लोगों ने इन कुफार ने इमशर्क़ीन ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो खुला जादू है इस आयत में अल्लाह रबुलमी ने बात बयान की है सफ़ की आयत नंबर छः के ईसी आसमाम जो महमद रसूल अल्लाह वसलम से पहले तशरीफ़ लाए जहाँ उनकी ज़िम्मेदारी बनी इसराइल की रहनुमाई थी उनके बिगाड़ की सलाह थी वहीं उनकी ज़िम्मेदारी ये भी थी कि आप अपने बाद आने वाले नबी और रसूल मोहम्मद अरबी सल्ला वम की बशारत लोगों को दें लोगों को बताएँ कि मेरे बाद एक रसूल आने वाला है और उसका नाम अहमद है अल्लाह के नबी सल्लाम के कई नाम हैं उन नामों में से एक नाम महम्मद है जिसका कुरान में ज़िक्र आया है और जिससे यानी आपके बारे में शहादत में हम इकरार करते हैं और इसी के साथ एक नाम और आपका है और वो है अहमद और इसके अलावा भी और नाम आपके हैं तो अहमद से मुराद अहमद के माना हैं जो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा हमद बयान करता हो और महम्मद के माना हैं ऐसा शख्स जिसकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा हों मनका तो रद खिसमहमूदा कि जिसकी अच्छी सिफात महमूद सिफात खसाइल बहुत ज़्यादा हों तो इस आय से बात मालूम होती है कि सल्लल्लाहु अक्रम सम का मकाम इतना आला व अरफा है कि आपके आने से पहले ही आपकी दावत के लिए मैदान हमवार करने के लिए मोहम्मद अरबी सल्ला वम से पहले सलाम ने आपकी खुशखबरी दी है अभी आप दुनिया में तशरीफ़ लाए भी नहीं लेकिन आपकी खुशखबरी दी जा रही कि एक रसूल आने वाला है एक नबी आने वाला है और उसका नाम ही अहमद होगा वो अल्लाह की खूब हमद बयान करेगा और अल्लाह ताला की हमद न सिर्फ़ इबादती तौर पर बल्कि लोगों के सामने भी अल्लाह की तारीफ़ बयान करेगा और लोगों को उस शर्क़ से निकालेगा जिसमें लोग मुबतला हैं क्योंकि हमद जो है अल्लाह के उसाप में से अहल उनमें कहा कि सबसे बड़ी बात है इसमें इसी के ज़िमन में तोहेद भी आ जाती है इसी के ज़िम्मन में सारी खूबियाँ अल्ला रबालमीन ला की आती हैं तो अल्लाह ने फरमा फलम जाम बिल्ब्य ना थी क़ाल उहद हरम्बी जब ये रसूल खुली दलीलें लेकर उनके सामने आया उनके पास आया तो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये तो खुला जादू है हैलमा ने कहा कि ये ये दोनों के बारे में हो सकता है ये ईसा सलाम के बारे में भी हो सकती है बात और ये मोहम्मद सल्लासम के बारे में भी हो सकती है कि जब ईसा आलिय सलाम खुली दलीलें लो, लोगों के पास लेकर आए मोजात लेकर आए तो लोगों ने बजा उनको रसूल मानने के और इनको इन चीज़ों को मोजात मानने के उन्हें जादूगर करार दे दिया और आज भी बनी इसराइल आज भी यहूदी ईसा आलाम को जादूगर मानते हैं लेकिन यही 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 बात जो है ख़ुद मोहम्मद सल्लाम के बारे में भी है कि आप जब खुली दलीलें लेकर लोगों के पास आए तो लोगों ने आपको भी जादूगर कहना शुरू किया तो इस एतबार से ये बात दोनों के बारे में फिट होती है ईसी सलाम के बारे में भी और महम्मद अरबी सल्ला वसम के बारे में भी लेकिन फलम्मा से महसूस होता है कि ये बात महमद सल्ला वसम के सिलसिले में है क्योंकि ईसी सलाम तो आए उन्होंने दावत दी फिर कहा लाने फिर जब वो रसूल उनके पास खोली दलील लेकर आया यानि जिसका तस्करा किया गया था जिसके असाफ़ बयान किए गए थे उस वो रसूल जब खुली दली लेकर आया तो अब लोगों ने उसको मानने की बजाय उसका इनकार कर दिया और उसे जादूगर करार दे दिया तो ईसा आसमाम ने भी महम्मद सल्ला वसलम की ख़ुशखबरी सुनाई यह आपकी फजीलत है इसी तरह से ख़ुद ईसा आलाम से पहले इब्राहीम सलाम ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की थी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की थी क्या हदीस है और क्या आयत है हम देखते हैं इसका हदीस में भी जिक्र है और कुरान में भी उबाद अबिनसाम तैन फरमाते हैं कि लिया रसूल अल्लाफसिकल्ला के रसूल सल अल्लाम से कहा गया अल्लाह के रसूल ज़रा आप अपने बारे में कुछ बताइए कल नाम आना दावत अबी इब्राहीम कहा कि हाँ मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ व का ना आखरम बश रबीसी बबन मरियम आल साम और सब से अख़ीर में मेरी खुशखबरी जिस शख्स ने सुनाई वह ईसा इबन मरियम आलम है यानि आखिरी हैं वो उससे पहले भी आपकी खुशखबरी सुनाई गई थी लेकिन आखिर में सब से आखिरी शख्स जिसने नबी करीम सलील वसम की खुशखबरी लोगों को दी कि एक नबी आने वाला है एक रसूल आने वाला है तो ये जो खुशखबरी थी ये ईसा आल ने सुना क्योंकि ईसा सलाम से पहले तौरात में भी आपका तस्करा आया था जाहिर बात है कि तौरात को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले जितने भी नबी आए तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी देते रहे क्योंकि आपका तस्कर तौरात तसक्यरा में भी आया था लेकिन आखिरी ईसा सलाम है यहाँ एक बात जो कही गई हदीस में अनद अभी इब्राहीम मैं अपने बाप इब्राहीम आलाम की दुआ हूँ कौन सी दुआ है वो कुरान करीब में इस दुआ का जिक्र आया है इब्राहीम जब काबा की तामीर कर रहे थे उस वक्त में इब्राहीम के साथ उनके बेटे और रसूल इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इस काम में शरीक थे और दोनों ने उस वक्त में अल्लाह ताला से कुछ दुआएं की थी उन दुआओं में इब्राहीम की ये दुआ क्योंकि असल तो इब्राहीम हैं बेटे उनके ताबे हैं तो इब्राहिम सलाम ने जो दुआ की थी वो दुआ क्या थी एक दुआ उसमें से थी और अब बना वी हम रसूल अमिन हम ए हमारे रब इन लोगों में जो लोग यहाँ बसने वाले हैं इनमें इन्हीं में से एक रसूल पैदा फरमा इनके पास इन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमा उसे रसूल बनाकर इनके पास भेज यतलोअम आयाति का जो तेरी आयतें इन्हें पढ़ पढ़कर कर व्यूअल महमुलताबुलम और उन्हें किताब और हकमत की तालीम दे वक्कीह और उनका तजकिया करें उन्हें पाक करें इ नकंतज़ीज़ुलहकीम यकी बड़ा ज़बरदस्त है गलबे वाला है, हैिकमत वाला है ये की आयत नंबर एक सौ उनतीस है इस आयत में अल्लाह ताली ने इब्राहीम की दुआ ज़िक्र की है और इब्राहीम ने अरब वालों के लिए ये दुआ की थी कि अ मेरे रब इन में एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो और वही चार काम वही चार चीज़ें जो इससे पहले हम देख चुके हैं पिछले दरस में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारियों में से थी और अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर इन चार चीज़ों के बुनियाद पर एहसान जताया है वो यही चार चीज़ें हैं क्या चार चीज़ें हैं लोगों को अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाना लोगों को किताब की तालीम देना लोगों को हमत सिखाना और उनका तस्किया करना तो इब्राहीम ने आप के लिए दुआ की थी और अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल किया और उनमें एक रसूल भेजा तो यहाँ पर कहा कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ तो आप देखेंगे कि प्यारे रसूल सल्लाम के लिए इब्राहिम सलाम ने दुआ की अल्लाह ऐसा रसूल भेजो ये काम करें और अल्लाह ताला ने वाकी वैसा ही रसूल भेजा तो ये चौथी बात थी जो पिछले दर्स में अधूरी रह गई थी वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलत आपके फ़दाइल में से आपके शर्फ़ में एक चीज़ ये भी है कि आपसे पहले पिछली किताबों में आपका तस्करा आया वो अल्लाह तुम बताने के लिए तस्करा किया और इसी तरह से आपसे पहले कई नबियों ने आपकी खुशखबरी लोगों को सुनाई और आपके बाप जो अम्बिया के वालिद हैं बहुत सारे इब्राहीम उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु के लिए तामीर काबा के वक्त में दुआ की थी तो ये बहुत बड़ा शर्फ़ है प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम का कितनी ख़ुशकस्मती है हमारी कि अल्लाह ताला ने जिनके लिए नबियों ने दुआ की और जिनकी खुशखबरी नबियों ने सुनाई वो शख्सियत वो शान शख्सियत अज़ीम रसूल अल्लाह रबालमीन ने हमारी किस्मत में रखा ऐसा रसूल हम हमको अल्लाह ताला ने दिया अब हम कितनी क़दर करते हैं इसके अतबार से हम काबिल क़दर करार पाएंगे जो इस रसूल की कदर न करे वो कदर के लायक नहीं है पांचवी चीज़ रसूल अक्रम सदाइल में से और आप के शर्फ़ में से एक बहुत ही अहम चीज़ ये भी है कि अल्लाह रब्लम ने पिछले नबियों से जब खिताब किया तो उनका नाम लेकर ख़िताब किया लेकिन क़ुरान करीम में जहाँ भी अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया वहाँ अल्लाह ताला ने आपका नाम लेकर ख़िताब नहीं किया बल्कि आपके मकाम के अतबार से आपसे खिताब किया आइए देखते हैं इसकी क्या तफसील है मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला, ताला ने अब हम देख अल्लाह ताला ने जो पिछले नबी और रसूल हैं उनसे खिताब किया तो कैसे किया मसलन सारे नबियों में सबसे पहले नबी आदम सलाम उनसे अल्लाह ने ख़िताब किया नाम लिया क्या कहा वक़ुल या आदम उसकन अंत वुकल जन्न और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो बकरा, आयत नंबर पैंतीस नू आलाम से अल्लाह ने ख़िताब किया कहा नू हो नमल उन सोरे आयत नंबर छियालीस अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ने फरमाया ए नूह तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं है इ नू लई समिन अहलिक नूह तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर वालों में से नहीं इन अमल उन है इसलिए कि उसका अमल ठीक नहीं था उसका अमल नेक नहीं था तो अल्लाह ताला ने यहाँ नो आम से ख़िताब किया या नू हो इसी तरह से आप देखें इब्राहिम सलाम से ख़िताब किया अल्लाह ताला फरमाता है फलम फरमातलमसलम व तुजीन जब दोनों के दोनों बाप बेटे इब्राहिम इब्राहीम और इस्माइल आलम दोनों के दोनों अल्लाह ताला के लिए वाहरा वबातिन फ़र्मा बरदार हो गए अल्लाह का हुक्म दोनों ने पूरी तरह तस्लिम कर लिया व तिलजबीन और इब्राहीम ने इस्माइल आलम को अपनी पेशानी के बल लिटा दिया जबीन दो होती हैं और उनके दरमियान जबहा होती है जिस पर हम सद्दा करते हैं ये बीच का जो हिस्सा होता है इसको जबहा कहते हैं लेकिन इब्न ख़तबा कहते हैं कि दाएं बाएं जो होते हैं दो हिस्से उसको जबीन कहते हैं तो इस तरह से जो है करवट उनको लिटा दिया चेहरे के तो फलम असलमा जबीन ज़बह करने के लिए बाप ने अपने बेटे को लिटा दिया चेहरे के पहलू पर जबीन के जबीन पर वना दई ना हूँ अ या इब्राहिम अ या इब्राहिम कद सद अक तर्रिया हमने पुकाराँ इब्राहिम आसाम को निदा लगाई पुकारा कैसे पुकारा या इब्राहीम ए इब्राहीम क़द सद अख्तर्रोइया तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया इन्ना कदालिक नज़िलमुहसिन हम ऐसे ही भलाई करने वालों को बदला दिया करते हैं जजा दिया करते हैं ये सुर अफ़ात आयत नंबर एक सौ तीन से एक सौ पाँच तक यहाँ भी अल्लाह ने निधा लगा कि इब्राहिम सिखा या इब्राहिम और कई मकाम हैं मूसम को देखिए इन्ना कबील विल मुकदस तोा सुर ताहा आयत नंबर ग्यारह बारह अल्लाह ने फरमाया जब मूसम अपने मकाम पर आए

तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है या मूसा ये सूर सर ताह ने मूसा से भी खिताब किया ईसा सलाम को देखिए क़ियामत के दिन अल्लाह तुन उनसे ख़िताब करेगा अल्लाह ने फ़रमाया व वा या वाह मरियम तूनी सुर आयत नंबर एक सौ सोलह मैं हवाले भी दे रहा हूँ ताकि आप उसको देखना चाहें तो देख लें कहा क्यामत के दिन अल्लाह तला फरमाएगा और जब अल्लाह क्यामत के दिन कहेगा वह इद्ला मरियम एसाबन मरियम ए मरियम के बेटे ईसा नासी क्या तुमने लोगों से कहा था ऐसा इतनी वम्या कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो दो मबूद बना लो क्या तुमने कहा था लोगों से ऐसा यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे पूछेगा ताकि जिन्होंने उनको माबूद बनाया था उनके जवाब से वो झुटला दी जाए जिसको मानते हो वही बोल रहा है नहीं तुम तो झुटला दिए गए तो जो अहिल बातिल हैं मुशरिक हैं उनकी इबादत करने वाले उनकी माँ की इबादत करने वाले हैं उनकी इबादत का राज और उनकी इबादत की बेहसीती बताने के लिए अल्लाह ताली ईसीम से ही पूछेगा कि एसाब न मरियम क्या तुमने कहा था ऐसा कि मुझे और मेरी माँ को पूजो अल्लाह के सिवा तो यहाँ पर भी देखें अल्लाह ताला ईसा सलाम से ख़िताब करेगा पांच रसूल हैं उलुल उलम मीन रसूल उनमें से चारों का तस्करा आया है इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम आलम अलैहिस्सलाम और उनसे पहले सबसे पहले रसूल नूसलम और सबसे पहले नबी आदम सब सबसे अल्लाह ने ख़िताब किया है तो उनका नाम लेके खिताब किया लेकिन कुरान करीम आप शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए आपको कहीं भी या मुहम्मद नहीं मिलेगा क्योंकि यानी या ये एक अदब है कि बड़ी शख्सियत को से जब ख़िताब किया जाता है तो उसका इज्जत वाला शर्फ वाला टाइटल या उसका लकब उससे उसको पुकारा जाता है अगरचे सारे नबी शर्फ वाले हैं लेकिन इन सब में रसूल अलैहि वसल्लम का शर्फ और मकाम बहुत ऊंचा है जैसा कि आगे भी और दलीलें हम देखेंगे अब देखिए रसूल अक्रम सला वसम से अल्लाह ने कैसे ख़िताब किया अल्लाह तूरतुलफ़ाल आयत नंबर चौंसठ में फ़रमाता है या यान नबी हसब्लाबन ए नबी आप के लिए अल्लाह काफ़ी है आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और उनके लिए भी ईमान वालों में से उनके लिए भी जो आपकी इतबा करते हैं या आपकी इतबा वाले अहिल ईमान के लिए भी अल्लाह काफी है बाद अहिल ने यह भी कहा है कि ईमान वाले आपके लिए काफ़ी हैं लेकिन अलामा शंकीति कहते हैं कि हसबू का ये जो लफ्ज़ है ये अल्लाह के लिए ख़ास होना ज़्यादा मुनासिब लगता है वक़ाल हसब्लम वकील साहबा का भी ये कहना था अहिल ईमान का कहना यहाँ कि हमारे लिए अल्लाह काफी है तो हसबना या हसबी ये जो लफ्ज़ है ये अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है इस अतबार से या कहा कि ए नबी आप के लिए अल्लाह काफ़ी है और आपकी पैरवी करने वाले अहिल ईमान के लिए भी अल्लाह ही काफ़ी है किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है अल्लाह के सहारा काफ़ी है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए अल्लाह ताला ने या एनबी कहा आप की के मक़ाम से आपसे खिताब किया फिर कहा या एह रसूल बल लगम उनजिला सूरतम आयत नंबर सड़सठ कहा ए रसूल ए पैगम्बर बल उमिक आपके रब की तरफ से आपके पास जो कुछ नाजिल हुआ है उसे लोगों तक पहुँचा दीजिए तो यहाँ पर अल्लाह तप के मकाम रिसालत से आपसे ख़िताब किया है फिर आगे आइए सूरतमुदसर आयत नंबर एक दो अल्लाह तै फरमाता है या मुद्दसर कोम फंजर ए चादर में लिपटने वाले खड़े हो जाइए और लोगों को ख़बरदार कीजिए। कीजिएमदसर वो जो चादर में लिपट जाए फिर कहा या यालमुजम्मिल इल्ला कलीला ए चादर में लिपटने वाले दोनों क़रीब करीब एक माना थोड़ा सा फ़र्क़ उसमें है यालमज़मिल इल्ला कलीला रात के वक्त क़याम कीजिए नमाज़ वाला लेकिन पूरी रात क़ियाम कीजिए थोड़ी रात छोड़ के क़मिल्ला कलीला रात भर क़िया कीजिए हाँ लेकिन कुछ हिस्सा छोड़ कर यानी करीब करीब पूरी रात फिर उसमें अल्लाह ने निसफा हुआ अमिन खुस्िन करीलाउज आल वरतरा तरतीला तो अल्लाह तला ने यहाँ पर फ़रमाया सूरतमजमिल आयत नंबर एक दो तो में यहाँ पर भी, भी अल्लाह ने ए चादर में लिपटने वाले हैं ए नबी ए रसूल पूरे कुरान में आपको कहीं या हमद नहीं मिलेगा ऐसा यूं ही इफ़ाकी तौर पर तो नहीं है ना अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया एक भी आयत नहीं इतनी 114 सौ सूरतें हैं उनमें कहीं भी एक आयत नहीं कि या मोहम्मद जिसमें हो लेकिन बाकी सारे नबियों के बारे में या इब्राहिम या मूसा या नूह या आदम या ईसा या अल्लाह ताला, ताला ने खिताब किया लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया तो आपके रिसालत के नबूत के आपके हाल को जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने आपसे ख़िताब किया ये एक शर्फ़ माना जाता है आज भी आप देखें तो लोगों में जो है नाम के बजाय कुनियत से पुकारा जाता है शर्फ के तौर पर अहल ये ये जो ये जो अदब है अहल ईमान को भी अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है देखिए अल्लाह तूरत नूर आयत नंबर तिरसठ में फ़रमाता है ला तज एल उदुआ और रसोली बे नबादुम बद रसूल की पुकार को तुम वैसा न बनाओ जैसे तुम्हारी आपस की एक दूसरे को पुकारना होता है रसूल का पुकारना तुम्हारा वैसा नहीं होना चाहिए जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो इसके कई माना उलमा ने जिक्र किए जिसमें एक माना ये भी जो आज हम जिक्र कर रहे हैं ला तजा दुआ और रसोली बई नदुआ इबाद उम्बैदा ये फ़ायल के अतबार से भी मफूल के अतबार से भी है यानी रसूल की इसीलिए मैं तर्जुमा ऐसा किया है रसूल की पुकार को तुम आपस में वैसा उसके साथ मामला मत करो जैसा तुम्हारी आपस की पुकार का होता है यानी रसूल को तुम वैसे पुकारो मत जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो नाम लेकर दूसरे माना रसूल तुमको पुकारें बुलाएं तो उसके साथ वैसा मामला मत करो जैसा एक दूसरे के साथ करते हो गए नहीं गए चलता है रसूल के बारे में नहीं चलता ऐसा इसीलिए आप देखें एक सहाबी नमाज़ पढ़ रहे थे नफल नमाज़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ दी वो नहीं आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला बात पूछा क्यों नहीं आए मैंने पुकारा कहा कि अल्लाह की रसूल नमाज़ पढ़ रहा था मैं कहा कि नहीं तुमको आना चाहिए यानी रसूल अल्लाह आयत आपने पढ़ी कि अल्लाह और उसका रसूल जब तुमको आवाज़ दें तो तुम आओ तो यहाँ पर आप तजीबा रसूल इदादयामा ऐ ईमान वालों अल्लाह और उसका रसूल जब तुम्हें पुकारें बुलाएं तो तुम उस पुकार को कबूल करते हुए जाओ उसके तकाज़े को पूरा करो लिमा यू यु इसलिए कि तुम्हें उसी में ज़िंदगी मिलेगी ये रूहानी कल भी हयात तुमको मिलेगी तो नमाज तोड़ के रसूल बुलाए तो जाना पड़ेगा नफल नमाज कितनी बड़ी बात आप है आप सोचिए तो अब किसी की समझ में नहीं आएगा ऐसा कैसा होता है अल्लाह ने बताया हमने माना समय आना व आता आना तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी माना उसमें है कि रसूल की पुकार को हल्का मत समझो आम लोगों की पुकार की तरह उसका मामला मत करो पुकारें तो जाओ दोनों माना उसमें है, लेकिन ये माना भी इसमें है कि रसूल को वैसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो क्यों इसलिए कि तफसीर इसकी जो है इसमें इब्न अब्बास रदी अल्लाह तैन का कौल भी इसमें मौजूद है क्या वर्माते हैं इबन अब्बास रदी अल्ला कहते हैं कानू यूना या महम्मद या अबलकासिमल्लाजलिक अहिल ईमान आपको जब पुकारते तो कहते ए महम्मद ए अब्लकसम आपकी कुनीत है ए अबुलकसम तो आपको इस तरह से पुकारते थे फन हमल्जलिकल्ला ने उन्हें इससे मना कर दिया एवा मल्ली नबी सला के नबी वम आप पर सलात हों और सलाम हो आपकी तज़ीम के तौर पर ये अवामल नबी ही क़ाल वक़ाल या रसोल्ला या नबी अल्ला तो फिर इस हु के बाद सहाबा आप को यूँ पुकारने लगे एल्ला के नबी एल्ला के रसूल वहा कदाकाल मुजाहिद व सईद उबन जुबैर इबन कसर कहते हैं मुजाहिद और सईद अब्न जुबैर का भी यही कहना है कि जब पहले वो कहते थे ए महम्मद एबुलकासिब क्योंकि आप शख़्स थे लेकिन बाद में ये शख्सी नाम है लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं आपके मक़ाम के नाम से इनको पुकारो नाम से नहीं ये सिर्फ आम इंसान नहीं है ये रसूल हैं तुमको जब भी पुकारो तुमको एहसास होना चाहिए कि किससे बात कर रहे हैं किस पुकार रहे हैं तो क्या कहो रसूल और नबी आपके मक़ाम के अतबार से आपको पुकारो हो कहते हैं अमरहुम हम तय हो वशर रफ़ू हो वह बस्मिन नबूआ अल्लाह तहल ईमान को हुक्म दिया इस आयत में क्या हुक्म दिया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लासम की फरमाबरदारी करें और आपका आपका इकराम करें आपका शरफ़ पहचानें और आपके शरफ़ के मुताबिक आपसे मामला करें वह बिसम नबूआ और आपको पुकारें तो आपके नबूत वाले नाम से या नब या नबी या नबी अल्ला या रसोल्ला तो इस तरह से आपको पुकारें तो ये जाम इब में इबन अब्दुलबर ने इस रिवाद को जिक्र किया है तो आप ग़ौर करें कि रसूल अक्रम सम की शान है कि खुद अल्लाह ने तहाँ दूसरे नबियों से खिताब किया नाम से आपसे नहीं किया बल्कि अहले ईमान को भी इस बात की तलकिन व नसीहत व तमबीह की नाम लेके नहीं पुकारना हमारे नबी को बल्कि क्या कैसे पुकारना आपके मकाम के अतबार से आपसे खिताब करना हत्या कि आपके घर में भी आपकी बीवियाँ भी आपसे या रसूल अल्लाह के नाम से पुकारती थी आपको तो ये गौर करें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ़ है ये आपका मकाम है काश कि हमको इसका एहसास हो नंबर छः अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया है आपका मकाम ऊंचा किया और आपका नाम भी ऊंचा किया क़ुरान करीम में अल्लाह ताला फ़रमाता है वफ़ा अल का सूरत शरह में या अशरा भी इसको कहते हैं आयत नंबर चार में अल्लाह ने फरमाया वरफ़ाला का विक्र ए नबी हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया रिफायत अता की है कई अतबार से कि अल्लाह ताला ने आपका नाम आम कर दिया जुबान जुबान पे आपका नाम है अहले ईमान पूरी दुनिया में फैल गए हर जगह हर वक्त आपका तस्करा हो रहा है मुसलमान दुनिया में फैल गए और आसमानों में आपके लिए अल्लाह की तरफ़ से सलात व सलाम है आगे उसका भी तस्कर आएगा और इसी तरह से आप देखेंगे कि आपके औसाफ इस कदर आलम में फैले कि आज एक दुश्मन भी आपके बारे में अच्छी बात बोलने पर मजबूर है या उस जमाने में भी आप देखिए कि आपके मुखालफन भी जहां आपको बुरा भी कहते थे लेकिन वाकई जब अपनी तन्हाइयाँ होती थी तो आपकी तारीफ करते थे इसी तरह से कई लोग जो गैर मुस्लिम हैं अल्लाह रबालमी ने उनकी ज़ुबान से नबी करम सलील वसम की तारीफ़ और आपका यानि इकराम के क़लिमात उनकी ज़ुबान से बुलवाए ये तारीख़ में एक वाद शख्सियत है जिसके साथ ऐसा मामला हुआ है बल्कि आप देखिए माइकल हार्ट ने किताब लिखी अमरीकी है वो लेकिन उसने भी सौ लोगों को तारीख़ में ज़िक्र किया और उनको इस तरतीब से ज़िक्र किया कि किस शख्सियत का तारीख़ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ उसने सबसे पहले लिस्ट में अगर नाम रखा तो अलैहि वसल्लम का और ऐसी कितनी हैं जिनके अकवाल के तस्करे ये वक्त भी नहीं है तो अल्लाह तुद फ़रमाया वफ़ाला का रिकरक ए नबी हमने आपका तस्करा ऊँचा कर दिया आपका नाम आपका ज़िक्र ऊँचा कर दिया सिर्फ नाम नहीं आपका तस्करा ऊँचा कर दिया इस सिलसिले में इबनि कसर रम्हि फरमाते हैं वह वरफ़ाला का रिकरक قال मुजाहिदन लाउद करो अल्ला दुखिर तमाई मुजाहिद रम्त जो ताबई हैं फरमाते हैं शायद की तफसीर में कि लाउद करो अल्ला दुखर तमै हमने आपका जिक्र ऊँचा किया का मतलब क्या है ए नबी जब भी मेरा जिक्र होगा आपका भी जिक्र होगा जब मेरा जिक्र हो अल्लाह ने तबी करम सल्ला वम के जिक्र को अल्लाह के जिक्र के साथ जोड़ दिया आप देखिए आगे क्या होगा अशहद अल्लाह व अशहद मोहम्मद रसोल कैसे जोड़ा इस्लाम में आना है अच्छी बात है दो गवाहियां देनी पड़ेंगी एक भी नहीं देगा मुसलमान नहीं होगा क्या गवाही देनी पड़ेगी एक अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं नंबर दो मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जहाँ अल्लाह के मबूद होने की गवाही देना पड़ेगी इस्लाम लाने के लिए वहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की भी गवाही देनी पड़ेगी तो अल्लाह ताला ने दोनों का नाम अल्लाह ने दोनों का तस्करा जोड़ दिया कहा मुजाहिद कहते हैं ला इल्ला करुरा कि मेरा ज़िक्र जब भी होगा मेरे साथ आपका भी ज़िक्र होगा क़ता रह फरमाते हैं रफ़ अल्लाह जिक्र फिर दुनिया व आखरा अल्लाह दुनिया और आखरत में मोहम्मद महमद सल्लासम का ज़िक्र ऊँचा कर दिया आपका तस्करा ऊँचा कर दिया फ़लई सेब वला मुताहद वला साबुसात अनादबीआ अशहद्ला व् महमद रसोल्ला कहते हैं कि जो भी खतीब होता है या जो भी तशाहत पढ़ने वाला होता है या जो भी नमाज पढ़ने वाला होता है वो ज़रूर ज़रूर इस जिक्र को करता है अशदुल्ला व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी इन दो चीज़ों की गवाही अब देखिए जितनी खुतबात या हाजा पढ़ा जाता है जुमा का खुतबा ईद का खुतबा या इसी तरह सेमा की खिताबात आप शुरू में सुनते हैं अशदुल्ल अल्लाशादल महमद अल्लाह का नाम भी और अल्लाह के नाम के साथ प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम की रिसालत का करार भी है अजान देने वाला अजान दे रहा है अजान देता वो भी पढ़ता है नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ा नमाज पढ़ने वाला भी चाहे वो इल्मी अमल हो या इबादती तालीमी अमल हो लोगों को तालीम दे रहा है खुतबा दे रहा है उसमें भी नबी वसम का नाम अल्लाह के साथ है बंदा लोगों को इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज के लिए बुला रहा है वो अज़्न ऊँची आवाज़ में व रफा इन अला का दिक रख चुपके चुपके नहीं ऊँची आवाज़ में पुकार रहा है सबके सामने अल्लाह की तोहीद की गवाही मोहम्मद सल्लासम की रिसालत की गवाही नमाजी सरगोशी के साथ चुपके चुपके पढ़ रहा है अपनी इबादत में है वो भी क्या कर रहा है चाहे दावत हो चाहे इबादत हो दोनों में आपका नाम आ रहा है अल्लाह के साथ प्यारे रसूल सल وسلم का नाम है और आप गौर करें दुनिया में दिन कहीं हैं तो रात कहीं हैं और अवकात बदलते जाते हैं एक इलाका दूसरा इलाका तीसरा इलाका अगर एक ही वक्त होता सब का बराबर तो एक ही वक्त में सब अजान दे देते नमाज पढ़ के छुट्टी बाकी अवात में नहीं नहीं आप देखिए दुनिया का माहौल ऐसा है कहीं दिन है तो कहीं रात है और यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से, से वक्त बदलता जाता है इसलिए अज़ान का वक्त एक, एक इलाके दूसरे इलाके तीसरा इलाका लाखों इलाके, इलाके जहाँ भी हैं अज़ान का वक्त बदलता रहता है और हर वक्त अज़ान दुनिया में इस तरह से हो रही है और कहीं ना कहीं कोई नमाज पढ़ रहा है कहीं ना कोई दर्स दे रहा है कहीं ना कहीं ख़ुतबा दे रहा है तो आप देखिए कितना दुनिया भर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा हो रहा है आपको जादूगर कहने वाले आपको मजनून कहने वाले आपको शायर कहने वाले आपको काहिन कहने वाले आप के बारे में यानी मुख्तलिफ़ जिल्लत वाले आपको लगाने की कोशिश करने वाले ख़ुद जरील हो मिट्टी में मिल गए ख़त्म लेकिन रसोल अक्रम सम का तस्करा आज देखिए दुनिया के हर हर कोने कोने में आपका तस्करा हो रहा है आदमी अकेले में नमाज़ पढ़े या अजान दें ज़ोर से आवाज़ के साथ या लोगों को तालीम दे हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है और आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है आपका नाम लेने वाले इतने हो गए दुनिया के अंदर तो अल्लाह के यानी बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा आपका नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि अल्लाह ने उसकी रिफ़ायत दी कि अल्लाह का तस्करा होगा आपका भी होगा तो हर मुसलमान के लिए नमाजी नहीं होगी अगर नमाज के अंदर जरूर नहीं पड़ेगा तो सोचिए तो ये ये खुतबे के लिए ज़रूरी है खुदबे में शहादत होगा या इसी तरह से अज़ान आजानी नहीं होगी अगर शहादत है न उसमें नहीं है तो तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है अल्लाह ताला ने आप के जिक्र को ऊंचा किया ये भी प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ है नंबर सात दरूद और सलाम अल्लाह ताला ने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और अहले ईमान को भी इस बात का हुक्म दिया और सलाम भी व सलामसली और इसी तरह से अहले ईमान को भी इसका हुक्म दिया कि अहले ईमान भी आप पर सलात व सलाम भेजें और ख़ुद अहले ईमान से पहले अल्लाह ताला ने जिक्र किया फ़रिश्तों का भी कि जो नूरानी मखलूक है वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सला सलात भेजती है कुरान करीम सूरत में आयत नंबर छप्पन में अल्लाह तरमाया इन व मलाह यूसल्लू नबी या यूह लवीन अमनु वसलीम तस्लीम यकीन अल्लाह तै ख़ुद और अल्लाह के फ़रिश्ते भी इस नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं ईमान वालों तुम भी इस नबी पर सलात भेजो और ख़ूब खूब सलाम भेजो सलात और सलाम दोनों सलात में आपके लिए खैर की तलब है और सलाम में आपके लिए शर से हिफाजत की तलब है ये दोनों चीज़ें जमा हो जाएँ तो कमाल है तो कहा कि अल्लाह ताला खुद भी और फ़रिश्ते भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं क्या मतलब है सलात का रहम अल्लाह फ़रमाते हैं सलातुल अत अलैहि सलामलाक लहू इबन अब हातम ने अपनी तफसर में इसको ज़िक्र किया है और इमामबुखारी ने भी सही बुखारी में तफ़सरक़र में इसको ज़िक्र किया है अब रि फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताल का रसूल अक्रम सर सलाद भेजने का मतलब क्या है कहते हैं सना ही इंदलमला एक फ़रिश्तों के सामने नबी सल वम की तारीफ़ करना है प्यार रसूल की खूबियाँ अल्लाह बयान करता है अपने फ़रिश्तों के सामने इससे बढ़ के मकाम क्या हो सकता है किसी बंदे के लिए कि अल्लाह ताला यानी उस उस बंदे की तारीफ़ करें यहाँ पर आप देखेंगे कि युसलूना ये दवाम का सेगा है यानी यानी कि एक बार अल्लाह ने दरुद भेजा था एक बार अल्लाह ने ऐसा है नहीं ये अल्लाह ने तारीफ़ की है पास्ट टेंस नहीं है बल्कि क्या कहा युसल्लूना नबी, अल्लाह भी और फरिश्ते भी इस नबी पर सलात भेजते रहते हैं यानी एक दायमी अमल है हमेशा का अमल है अल्लाह अपने नबी की खूब ख़ूब तारीफ़ करता है फ़रिश्तों के सामने इतनी तारीफ़ के लायक हैं अल्लाह ने बनाया है साहब को और आप ऐसे थे आपके अमाल ऐसे थे आपके अकवाल ऐसे थे आपकी शख्सियत आपके औसाफ़ ऐसे थे कि वाकई हर चीज़ तारीफ़ के लायक है न सिर्फ तारीफ के लायक है, है बल्कि उस और नमूना है उस और नमूना है तो क्यों ना तारीफ़ करे अल्लाह ताला? तो कहा कि आप पर सलाद भेजने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला, ताला फ़रिश्तों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करे तारीफ बयान करे वसलातुलमला इकत्याल ही अद्वाऊ और फ़रिश्तों का आप पर सलाद भेजने का मतलब क्या है यूसल्लून उसका मतलब क्या है अदुआ उलहू फरिश्तों का आपके लिए दुआ करना फ़रिश्तों के लिए जब लफ्ज़ आता है कि युसल्लून जब फरिश्तों के लिए लफ्ज़ आता है तो उसका मतलब होता है दुआ करना क्योंकि सलाद के असल माना दुआ के हैं लेकिन अल्लाह ताला किसी से दुआ करता है नहीं दुआ के माना पुकार के भी होते हैं सलाद के माना दुआ के हैं तो अल्लाह ताला तीन नबी पर सलाद भेजता है का मतलब अबूलिया कहते हैं कि आपकी तारीफ़ बयान करता है फरिश्तों के सामने और फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं तो ये शर्फ है प्यार रसूल अलैहि वसल्लम का कि खुद अल्लाह और फरिश्ते और फिर अहले ईमान भी आप पर सलाद भेजते हैं अबू तल रदी अल्लाह फरमाते हैं जा नबी सौमन एक दिन अल्लाह के रसूल सल्ला तशरीफ़ लाए वह व योराबिशरुफ़ी वजही ही और आपके चेहरे पर ख़ुशी के आसार बिल्कुल नुमाया थे वकील या रसूल इ न राहू साबा ने कहा कि रसूल आपके चेहरे पर खुशी के वो आसार हम देख रहे हैं कि इससे पहले हम देखते नहीं थे काला अजल आपने कहा हाँ हाँ इन न मल कन अचानी एक फ़रिश्ता मेरे पास आया था वक़ाल अली या मुहमद इन रब्ब का यक़ूलका आमायदी का अल्लाई का हद उम्मी का अल्ली तशर उस फ़रिश्ते ने मुझसे कहा है मोहम्मद कि क्या आप इस बात से राज़ी नहीं हैं आप आपका रफ़ फरमाता है कि क्या आप इस बात से राज़ी नहीं हैं क्या ये बात आपकी ऱा के लिए काफ़ी नहीं है कि अल्ला सल्ल का अदमिन उम्मत ही का कि आपकी उम्मत में से जो भी शख्स एक मरतबा आप पर सलाद भेजेगा अला सल्ली तो आशरा तो उस पर मैं दस मरतबा दरुद भेजूँगा और वला वाला सलम का अल्लम तो आशरा और वो एक मरतबा आप पर सलाम भेजेगा तो मैं दस मरतबा उस पर सलाम भेजूँगा काला कुल तोबला तो आप फरमाते हैं मैंने उस फरिश्ते से कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो इसके लिए राजी हूँ क्यों राज़ी नहीं हूँगा इसको इमाम अननसई और दारमी ने रवायत किया और अल्फाज दारमी के हैं और सही अलजाम सग़ीर में हदीस नंबर दो हज़ार एक सौ अट्ठानवे पर शेख लालबानी ने इसको हसन कहा है इसी के साथ साथ ये हदीस मुस्ंद अहमद नसी इबन हिब्बान हाकिब ने भी रिवायत की है और इस सैल जाम में हदीस नंबर इकहत्तर पर यह हदीस मौजूद है वो भी अबू तलहा रदी अल्लाह से ही आई है इसे बात मालूम होती है कि प्यारे रसूल वसल्लम का मक़ाम अल्लाह हाँ के यहाँ इतना ऊंचा है कि अगर एक ईमान वाला आप पर दरुद भेजे तो अल्लाह दस मरतबा उस पर दरुद भेजता है उससे खुश होकर एक मरतबा नबी के लिए सलामती की दुआ करें अल्लाह ताली दस मरतबा उस पर सलाम सलाम नाजिल करता है तो ये ये क्या कम शर्फ है बंदे के लिए यानि अल्लाह से पाने के लिए नबी की नबी पर सलाद भेजना है और नबी के लिए सलामती की दुआ करना है तुम यहाँ करोगे अल्लाह तुमको देगा तो कितना ऊंचा मकाम है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह ताला ने यह नमत आपको अता की और आपके यानि मातहती में ये नमत आप के ज़रिए उम्मत को अता की कि आपका तस्करा करेंगे आप पर सलासलाम भेजेंगे उम्मत को सवाब मिलेगा और अल्लाह की तरफ़ से ये नमत हासिल होगी और हदीस के अल्फ़ाज़ आप देखिए कि जा नबी सऊन वबशरूफ़ी वही ही एक दिन आप आए तो आपका चेहरा ऐसा खुश था कि बस तो ख़ुशी किस हो रही है उम्म के लिए खैर मिल रही है और उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खुश हैं कि सहाबी कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल इन ना रहा वजही का भी शरण लगना को ना हो हम आपको इतना खुश देख रहे कि पहले से खुश दिखे नहीं कुछ तो ख़ास बात हुई है किसके लिए खुश हैं अल्लाह के नबी वसम अपनी उम्मत के लिए खुश हैं कि अल्लाह की तरफ़ से एक ऐसी नमत मिली कि उम्मीदी अगर नबी पर दुरुद भेजता है तो अल्लाह उस पर भेजेगा दस मरतबा एक के बदले दस उम्मी स भेजेगा यानी सलामती की दुआ करेगा तो अल्लाह ताला दस मरतबा उस पर सलाम भेजेगा तो ये उम्मत के लिए खुशी भी थी प्यारे रसूल वसल्लम की आज हम कितना ख्या हमें कितना लिहाज है प्यारे रसूल वसल्लम का सुबह से लेके रात तक हम कितनी मरतबा सोचते हैं अल्लाह के रसूल सल्ला वम के बारे में कितना दरूद पड़ते हैं आप पर कितनी हदीसें पड़ती हैं आपकी कितनी हदीसें पहुँचाते हैं लोगों तक हमारे बच्चों को बीवी को हमको कितना मालूम है रसूल सल अल्लाह वम के बारे में जोश जो तो बड़ा हमारा ईमान का है कोई कुछ बोल दे तो उसके गला काट देंगे उसको मालूम नहीं क्या करेंगे ये बातें हैं वाकई हमारी ज़िंदगी में हमने कितना हक अदा किया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कितना हक़ अदा किया जज्बात में आके एक कदम उठा देना ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन एक इंसान का ज़िंदगी भर रसूल वसल्लम की तज़ीम का हक अदा करते रहना ये एक बड़ी बात है ये मुश्किल काम है तो बिलाशुबह एक, एक मुसलमान को गुस्सा आना चाहिए रसूल सलील वसम की शान में कोई गुस्ताखी करे उसका उसका ईमान उसकी गैरत जागना चाहिए बे मुसलमान को नहीं होना चाहिए लेकिन क्या वो एक वक्ती जज्बा है कि चार नारे हम लगा दिए हो गया क्या एक वक्ती जज्बा है कि हमने कहीं एक छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर लिया और बस दिल ठंडा हो गया हमारा वाकई ज़िम्मेदारी क्या है हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हमारा ताल्लुक रसूल से कैसा है हमारा ताल्लुक रसूल से कैसा है अब्दुल्ल इब्ने मुबारक रही से एक बड़े मुहादिस गुजरे हैं उनसे लोगों ने कहा आप हमारे साथ आके बैठते नहीं काय क्यों नहीं बैठते आप आज कल उलमा से भी लोग कहते हैं ना ये अकेले अकेले ही रहते हमसे मिलते ही नहीं ज़्यादा अच्छी बात है उन्हें कहा आप आके हमारे साथ उठते बैठते क्यों नहीं उन्हें कहा क्या करूँ तुम्हारे साथ उठ बै, के बैठ के मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सलासम और सहाबा के साथ होता हूँ यानी मैं अपने घर में जब होता हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपकी अहदीस और सहाबा के आसार और जो मक्के के मामल मदीने में क्या हुआ मैं इसी में रहता हूँ मैं हदीसों में और आसार में रहता हूँ तुम्हारे साथ बैठ के क्या करूँ तुम तो बस इधर उधर की गबतें करते हो इब्न मुबारक का कौल है तुम्हारे साथ बैठ के मैं क्या करूँ तुम तो यहाँ वहाँ की गई बयान करते हो लोगों की गईतें करते बैठते हो तुम्हारे साथ बैठ के करूँ क्या मैं तो आज हमारे औकात कैसे गुजरते हैं सोचिए हम बोल रहे हैं फ़लाने रसूल के बारे में ऐसा कहा गलत कहा अच्छा तूने सही कहा तूने किससे बताया अपने रसूल के औसाफ बाहर वालों से तो छोड़ दीजिए घर वालों से बताया अपने घर वालों को कभी बैठ के बताता है देखो आज एक हदीस मैंने सीखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी हदीस है देखो एक बात मालूम हुई मुझे अल्लाह के रसूल वसल्लम के ताल्लुक से सुनो कोई किताब मैं पढ़ रहा हूँ कोई बयान मैंने सुना किसी का मैसेज मुझको आया फुला मोतबर मैसेज हम कितना पढ़ के सुनाते हैं लोगों को अपने घर वालों को अपनी औलाद को अपने, अपने बी बच्चों को कितना हम बताते हैं तो एक आदमी गलत आपके बारे में बोल रहा है हमको उस पर गुस्सा है हम सही कितना बोल रहे हैं अगर हम सही बोलते तो लोगों तक सही बात पहुँचती अगर हम सही बोलते तो वो बात आम होती आज उनके पास भी मीडिया आपके पास भी मीडिया है आज तो बहाना नहीं कर सकते ना हम सही कहाँ बोल रहे हैं हम उस उस, उस उन वसाइल का इस्तेमाल सही कहाँ कर रहे हैं तो ये ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवसाफ़ हमीदा को अच्छे और आला अवसाफ़ को लोगों के सामने बयान करें ताकि जो आदमी आप की शान में गुस्ताखी करे आप पर तोहमत लगाए आपके बारे में बदजुबानी करें वो बेक़ीमत होकर रह जाए वो बेकीमत होकर रह जाए कि ये ये कोई बात है ये ऐसे बड़ी शख्सियत के बारे में तो क्या बोल रहा है तो ऐसा हमको करना चाहिए कितने लोग हैं जो आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानते हैं अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है वमा और सल्ला का यालमून ए नबी हमने आपको तमाम इंसानियत के लिए खुशखबरी सुनाने वाला ख़बरदार करने वाला डराने वाला बनाकर भेजा है लेकिन लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती बताएं हम कितना बताएं सोचिए यह हमारी ज़िम्मेदारी है लिहाजा ये जज्बात में आना ठीक है इंसान है जज्बात में आता है और आना भी चाहिए इंसान को अगर वाकई ईमान है तो जज्बात तो होंगे लेकिन वक्ती नहीं होना चाहिए इंसान को चाहिए कि वाकई वो रसूल अलैहि वसल्लम की तज़ीम के हक को अदा करें और कभी कभार नहीं बल्कि हर दिन उसका इसके साथ गुजरे हर दिन इसके साथ गुजरे चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर आठ अल्लाह रबॉम ने आपको लोगों की हिदायत के लिए भेजा इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने आपको हिदायत का चराग करार दिया आपको अल्लाह ताला ने चराग बताया चराग क्या करता है किसी अंधेरे कमरे में चराग रख दो उजाला हो जाता है वो चराग लोगों को नूर देता है अंधेरे से लोगों को बचाता है ठोकर खाने से बचाता है गड़े में गिरने से बचाता है अगर अंधेरा हो तो इंसान बहुत सारी गलतियाँ करता है सांप और रस्सी में फ़र्क नहीं कर सकता है लेकिन जब चराग होता है जब उजाला होता है नूर होता है तो उस नूर की रोशनी में सारी चीज़ें बिल्कुल आया हो जाती हैं जाहिर हो जाती हैं और सफ़ेद और काले का फ़र्क़ समझ में आता है तो अल्लाह रब्लमी ने प्यारे रसूल अलैहि अल्लाहम के उसाफ़ जब बयान किए तो उनमें एक वस्फ आपका ये भी बयान किया कि आप लोगों के लिए ऐसे हैं जैसे एक रोशन चराग होता है अल्लाह ताला, ताला फरमाता है सूरत आयत नंबर पैंतालीस और छियालीस अल्लाह फरमाता है या नबी इन्ना अरस का शाहिदन व मुबशरा व नदीरा वाला ही मुनीरा ए नबी हमने आप को भेजा है गवाह बनाकर और ख़ुशखबरी देने वाला बनाकर और ख़बरदार करने वाला डराने वाला बनाकर वार्निंग देने वाला बनाकर कर वदाइन अल्लाह भी इतनी ही और अल्लाह के हुक्म से लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है सरा मुनीरा और एक रोशन चराग बनाकर आपको भेजा है कितनी सारी चीज़ें हैं और मैं नंबर एक हमने आपको भेजा है किसी और ने नहीं इन्ना ना अरसल ना का या ए नबी आप अल्लाह के नबी हो कोई आम इंसान नहीं हो अल्लाह की तरफ से आपके पास अखबार आते हैं ख़बरें आती हैं या एन नबी इन ना अरसल ना का हमने आपको भेजा है कैसे भेजा है शाहिदन गवाह बनाकर आप गवाह हैं लोगों के ऊपर कौन माना कौन नहीं माना क़यामत के दिन आपकी गवाही होगी उसके बुनियाद पर लोगों के अबदी मुस्तबल का फ़ैसला होगा और आप गवाह हैं क़ियामत के दिन लंबी रिवायत है जो इमाम अलबुखारी ने जिक्र की है और दूसरे महदसिन ने भी इमाम अहमद ने भी उसको जिक्र किया है तफसील के साथ क्या है वो वाक़ क्या होगा क़्यामत के दिन क़ियामत के दिन नाम जो सबसे पहले रसूल हैं उनकी कौम को लाया जाएगा पूछ तो होने वाली है तो उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कोई रसूल आया कि नहीं आया बोलेंगे हमारे पास कोई भी रसूल नहीं आया कोई हमको आए नहीं कोई बताने के लिए मुकर जाएंगे। साढ़े नौ सौ साल नू आ सलाम को दावत दिए कौम झूठ कैसा बोलती है आप देखिए उनसे जब पूछा जाएगा कि कोई आया तुमको ख़बरदार करने के लिए तो बोलेंगे हमारे पास तो कोई भी नहीं आया सलाम को बुलाया जाएगा क्या बोल रहे हैं आपका क्या कहना है तुम्हारे पास कोई गवाह है नौ सलाम कहेंगे हाँ मेरे पास गवाह है कौन गवाह हैं महम्मद सल्लाम और आपकी उम्म महम्मद सल्ला और आपकी उम्मत उम्मत महमदिया को मुसलमानों को इस उम्मत को लाया जाएगा पूछा जाएगा इन्होंने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? उन्हें यहाँ पहुंचाया। कैसे मालूम पड़ा हमारे नबी ने हमको बताया अलैहि वसल्लम ने हमको बताया हमको मालूम पड़ा प्यार रसूल वसल्लम के बताने से हमको मालूम पड़ा तो इनकी गवाही से नाम इस इस गवाही को इस्तेमाल करेंगे उम्मत को गवाह बनाएंगे। मुसलमानों को गवाह बनाएंगे और फिर आप फरमाते हैं तुम अलैहि सलाम के हक में गवाही दोगे और मैं फिर तुम पर गवाह बनूंगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं यानी सलाम जो पहले रसूल हैं उनको अपनी दावत के लिए गवाह की ज़रूरत पड़ेगी कौन गवाही देगा आपके कि पहुंचा है पूरी कौम की कौम बोल रही नहीं पहुंचा है? हमारे पास तो कोई आया नहीं डराने वाला आपका गवाह कौन है नाम सोचिए पहले रसूल हैं उनके बाद कितनी उम्मतें थीं कितनी सारी उम्मतें थीं बनी इसराइल भी बीच में आके गए लेकिन नोसम किसी भी उम्मत को नहीं चुनेंगे नाम चुनेंगे मोहम्मद सल्ला वम को और आपकी उम्मत को कितना बड़ा शर्फ है ये और ये इस उम्मत के लिए कितना बड़ा शर्फ है काश के हम इस गवाही की अहमियत को समझते हैं काश के हम क्योंकि उम्मत को मजमूरी तौर तो पर कहा गया सारे के सारे थोड़ी ना अहले इल्म भी है इसके अंदर कितने बड़े लोग हैं इसके अंदर तो ये उम्मत और इसके अफरा गवाह बनेंगे नाम के हक में और फिर इस उम्मत की बात की क्रेडिबिलिटी कैसे है ये सही बोल रही है कैसे है? इसके ऊपर गवाह बनेगा कौन महम्मद सल्ला हाँ ये सही बोल रहे हैं इनकी गवाही सही है तो मैं माना हुआ कि फ़ाइनल जो अथॉरिटी है गवाही के सिलसिले में उम्मत पर भी गवाह बनेंगे मोहम्मद सल्ला वल्ला फ़रमाता है या नबी इरसल ना का शाहिदन और आप गवाह हैं अल्लाह के क्योंकि सारे अल्लाह के गवाह होते हैं ज़मीन पर शहीद अननाला हुआ هو इकतु वल व العلم इम बिलकस्त अल्लाह ताली इस बात का खुद गवाह है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और फ़रिश्ते भी गवाह हैं इस बात के अल्लाह की तोहीद के और वाले भी गवाह हैं अल्लाह की तोहद के कि अल्लाह के।, के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं इल्मों में सबसे मुक़दम अम्बिया होते हैं क्यों इसलिए कि किलमा जो हैं ये वारिस होते हैं अम्बिया के इल्म के इमा व रसतलम्बिया अम्बिया के वारिस होते हैं तो ज़्यादा इल्म तो उन्हीं के पास बल्कि असल इल्म के पास होता है ये तो वारिस होते हैं तो मम्बाब अवला अम्बिया और रसूल इसमें शामिल हैं तो रसूल गवाह हैं गवाह हैं अल्लाह की तोहद के तो इस एतबार से भी आप क्या हैं शाहिद हैं आप गवाह हैं इसके तो ए नबी हमने आपको गवाह बनाकर भेजा मुबशर और नवीर बनाकर भेजा खुशखबरी सुनाने वाला ईमान और नेक आमाल पर क्या खुशखबरी अल्लाह की तरफ से वादा जैसे आप देखिए दुरुद की और सलाम की खुशखबरी आपने उम्मत को सुनाई तो लोगों को ईमान और अमल की ईमान और अमल साले की खुशखबरी सुनाने वाले दुनिया में अल्लाह की नुसरत दुनिया में अल्लाह अल्ला रब्लमी की तरफ़ से आफ़ियत की खुशखबरी सुनाने वाले दीन पर चलने के फवायद बताने वाले और दुनिया के साथ साथ आख़रत में जन्नत में क्या इनामात हैं क़ियामत के दिन क्या शर्फ है ईमान और अमल पर वो बताने वाले और इसी तरह से गुनाह गुनाहों पर क्या सज़ा है दुनिया में अल्लाह की नाराज़गी अल्लाह का अजब और आख़रत में जहन्नम ये सारी चीज़ों से डराने वाले ख़बरदार करने वाले तो आप बशीर भी हैं और नज़ीर भी हैं आप तरगीब भी देते हैं और तरहीब भी करते हैं लोगों को रगबत भी दिलाते हैं और बुराइयों से ख़बरदार करके डराते भी हैं उनके नुकसान से फिर वदाइन भी इतनी ही अल्लाह के हुक्म से लोगों को अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाले अल्लाह तला ने आपको दाई करार दिया लेकिन कौन सा दाई अपनी तरफ दावत देने वाला देखो मैं जेंटलमैन हूँ मैं उसको देखो मैं देखो कितना अच्छा बयान करता हूँ मेरे पास नॉलेज कितना है मेरे पास रेफरेंस कितने हैं और मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं मैं अनमोल हूँ तो ये नहीं आप देखिए रसूल अक्रम सम की ज़िंदगी व दाइन बदनी आप दाई हैं अल्लाह के हुक्म से सेल्फ़ प्रमोशन भी नहीं और सेल्फ अपॉइंटेड भी नहीं दोनों को याद रखिए सेल्फ़ अपॉइंटेड भी नहीं मैं खुद ही बन के बैठ गया ऐसा भी नहीं अल्लाह ने भेजा है अल्लाह ने रसुल बे इनि ही अल्लाह के हुक्म से दावत देने वाला अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते बल्कि जो अल्लाह की तरफ से पहुँचाने के लिए आता है उसको पहुँचाते हैं जिस तरफ अल्लाह ताला बुलाने का हुक्म देता है उस तरफ बुलाते हैं उदाइन अल्लाह ही बे ही अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाले हैं. अल्लाह की तरफ अपनी ज़ात की तरफ नहीं मुझको मानो मेरी बड़ाई को तस्लीम करो नहीं अल्लाह की बड़ाई को तस्लीम करो और फकबर ए नबी अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए वकबर व तकबीर अल्लाह की तकबीर बयान कीजिए अल्लाह की बड़ाई अजमत का जिक्र लोगों के सामने कीजिए न क्या अपनी तस्करा अपने अपनी अजमत का बयान हम एक ऐसे दौर में हैं मीडिया का दौर बड़ा ख़तरनाक दौर इस दौर में आदमी अल्लाह की बड़ाई से ज़्यादा अपनी बड़ा बयान कर, कर रहा है वो तो रस्मी है लेकिन ये दिल चाह रहा है लोग मुझको बड़ा माने अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए तो वायन अल्लाह भी इतनी ही कि अल्लाह के, अल्ला के हुक्म से लोगों को अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाला यानि अल्लाह की तोहीद की तरफ़ बुलाने वाला आप देखिए एक शख़्स ने कहा माशी माशा अल्लाह माशीच अल्लाह के रसुल जो अल्लाह चाहे और आप चाहें आपने कहा अजायलतनी वह आदला अल्लाह के बराबर करता है मुझको मुझको अल्लाह के बराबर करता है वाला किनक माशा अल्ला बल्कि तू यूं कह अकेला अल्लाह जो चाहेगा वह होगा अल्लाह की तरफ फेरने वाले बंदों को अपनी ज़ात को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करने वाले क्योंकि इंसान जब समाज में बड़ा मकाम हासिल कर लेता है तो वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगता है कि इंसानियत से भी ऊपर उठ जाता है इसीलिए आप देखेंगे जितने भी लोगों के रहनुमा होते हैं उमोमन जिन्होंने समाज में भलाई का काम किया होता है एक वक्त के बाद लोग उनको पूजने लगते हैं एक वक्त के बाद लोग उनको पूजने लगते हैं इतना उनको बड़ा कर देते हैं इतना महान कर देते हैं कि उनकी बंदगी और उनकी इंसानियत ही ख़त्म हो जाती है इतने ऊँचे हो जाते हैं रसूल अक्रम अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात का अहमाम किया कि लोगों के जहर में कभी ये बात ना आए आपने हमेशा लोगों को इस चीज़ से रोका कि लोग कहीं आपको अल्लाह के बराबर न करते हैं आप देखिए एक बच्ची अशार पढ़ रही थी क्या कहाफ़ीना नबीन या फ़ी हमारे दरमियान एक ऐसा रसूल है जो कल क्या होगा जानता है बच्ची है उसको अब बोलते बोलते बोल दी क्या कहा वो फीना हमारे दरमियान तो ऐसा रसूल है जो कल की बात भी बताता है कि कल क्या होगा आपने कहा नहीं जो पहले शेर पढ़ रही थी वो ठीक थे ये नहीं इसलिए कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा आप देखिए आपने कभी लोगों को ऐसा छोड़ा नहीं कि वो ऐसी अजमत आपकी बयान करें कि अल्लाह के बराबर कर दें कभी आपने नहीं ऐसा होने दिया व भी इदन ही हमेशा लोगों को अल्लाह की तरफ़ फेरने वाले अल्लाह की बड़ाई अल्लाह की आज़मत अल्लाह की तोहद की तरफ लोगों को बुलाने वाले व सरा जमुनी और एक रोशन चराग चराग बुझावा भी होता है रोशन चराग कि अपने अकवाल से अल्लाह से जोड़ने वाले और अपने अफ़ाल से लोगों की रहनुमाई करने वाले आपका वजूद खुद आपका वजूद खुद लोगों के लिए रहनुमाई था आपकी खामोशी लोगों के लिए चीज़ों के जायज़ होने की दलील थी आपका मुस्कुरा देना लोगों के लिए इजाज़तनामा था आपके चेहरे के आसार गुस्सा देख कर हत कहने लगी मैंने क्या गुनाह कर दिया अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह की गुस्से की अल्लाह की पनाह मांगती हूँ अल्लाह के गुस्से से और रसूल के गुस्से से माद अद नू क्या भूल हो गई मुझसे क्या गुनाह हो गया मुझसे आपके चेहरे को देख कर लोगों को एहसास हो जाता था कि कुछ तो गलत हमसे से हुआ है कुछ तो गड़बड़ कर दिया हम तो आप वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी आपका बोलना भी इल्म था और आपका चुप होना भी इल्म था आपकी मुस्कुराहटें भी लोगों के लिए दीन का एक इल्म का एक बाब थी और आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना लोगों के साथ सलूक करना हर चीज़ एक इल्म का बाब है उसमें एक नूरानियत है उसको इंसान अगर अपना ले, उसको अगर इंसान अपना ले, उसकी शख्सियत भी लोगों के लिए रहनुमाई बन जाती है रसूल अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया आवाज़ अरे वाँ यानी रसूल अक्रम के बारे में अल्लाह ताली ने फरमाया व मुनीरा आप एक रोशन चराग हो अंधेरे में अगर रख दिया जाए तो लोग उस चराग की वजह से राह पाएँ जो उस चराग को लेकर चलें वो कभी भटकेंगे नहीं इससे इशारा मिलता है कि अगर बुरे से बुरा दौर भी आ जाए गुमराहियाँ आम हो जाएँ तब भी रसूल अक्रम सम शख्सियत को उसवा बनाने वाला कभी भटकेगा नहीं इसीलिए आपने क्या फ़रमाया इन्नी तरक्फ़ीकुम शरक्फ़ीकुम श मैंने अपने बात तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ी हैं लन तदील्लबैदा हुमा इन दो के पाने के बाद इन दो के थामने के बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे किताब व सन्नत ही वो दो चीज़ें क्या हैं अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत नबी सल्ल्म का तर्ज हयात आपका उसव हसना लकत का नलकुम्फी रसूल व्सूसना तो ये अल्लाह ने फरमाया वमुनरा आपको रौशन चराग करार दिया अल्ला ने आपकी पूरी शख्सियत ऐसी जैसे चराग होता है वहाँ अंधेरा अंधेरे का नाम नहीं है उजाला ही उजाला है नूरानियत है चराग है जो लोगों को नूर दे रोशन चराग जो लोगों को नूर दे इसवरतल के आयत नंबर पैंतालीस और छियालीस है बल्कि अल्लाह ताली ने भी आपको नूर करार दिया है लेकिन उस महाना में नहीं जिसमें बाज ना समझ लोग लेते हैं कि आप नूर मुजस्म हैं इसकी कोई दलील नहीं है आइए हम देखते हैं उस बारे में क्या है अल्लाह ताला तरमाता ताला कद जुम मीनाल नूरुन वकीता मुबीन तुम्हारे पास आ चुका अल्लाह की तरफ़ से एक नूर और एक खुली किताब वाजह किताब यह बिहिल्लाहु मनी तब आर दुआ इसके ज़रिए से इस किताब के ज़रिए से इस नूर के ज़रिए से अल्लाह ताला रहनुमाई करता है किनकी मनी तब हो जो अल्लाह की रवा की पैरवी करते हैं यानी अल्लाह की रवा चाहते हैं सलाम सलामती की राहों में रहनुमाई करता है इन्हें अल्लाह ताला सलामती के रास्तों पर चलाता है उन लोगों को जो अल्लाह की रवा चाहते हैं और व युखरिज हमिनमात इला नूर भी इतनी ही और उन्हें अंधेरों से निकाल कर अपने हुक्म से उन्हें नूर की तरफ अपनी कुदरत से उन्हें नूर की तरफ लाता है वो यह दी इलासरात मस्तकीम और सरात मस्तकीम की तरफ उन्हें गामजन कर देता है सरात सरात मुस्तकीम की तरफ उन्हें हिदायत दे देता है ये सुर है अलमादा आयत नंबर पंद्रह सोलह इसमें अल्लाह ने फरमाया कि ये हिदायत की आयत है पूरी देखिए तुम्हारे तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और किताब मुबीन आ चुकी है दो चीज़ें बयान की नूर और किताब मुबीन तो यहाँ आतफ है एक ही चीज़ है या दो चीज़ें हैं कहा एक ही है इसलिए कि आगे यहदी आ रहा है बिही आ रहा है यहदी बिही तो बिही एक के लिए आता है तो दोनों एक ही हैं बाज़ुलमा ने कहा बाज़ुलमा कहने दो हैं ये चीज़ दो हैं ये दो कैसे एक नूर है और एक किताब मुबीन है इसलिए कि दोनों को जब अलग अलग बयान किया है तो दो हो सकते हैं लेकिन उनकी हिदायत के एतबार से एक ही हैं इसलिए कि आप कुरान को अलग और रसूल के फरमान को अलग नहीं कर सकते हैं। बल्कि दोनों को लेकर ही आपको पैरवी करनी पड़ेगी मैं आज कुरान पे चलूँगा कल हदीस पे चलूँगा कर सकते ऐसा नहीं कुरान के फहम के लिए हदीस ज़रूरी है इस एतबार से दोनों एक ही हैं कि एक को छोड़ के नहीं चलेगा इसीलिए आपने क्या फरमाया जो इन दोनों को मजबूती से थामे रहेगा वो हिदायत पर है गुमराहि से बचेगा एक को भी छोड़ दे तो गुमराह है तो दोनों एक की तरह हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्लाह ने फरमायादजा को मिनल्ला नूरन व किताब मुबीन कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर और किताब मुबीन आ चुकी है इस तालुक से इब्न जरीर अकबरी रम् फरमाते हैं यानी बिन नूरी अलैहि सल्लाम अल्लाह ताला जो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक नूर आ गया तो इस नूर से क्या मुराद है कहते इस नूर से मुराद अलैहि वसल्लम है इस नूर से मुराद कौन है अलैहि वसल्लम कैसे क्या ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद वसम को नूर से पैदा किया यहाँ पैदाइश का जिक्र नहीं है क्योंकि आगे जो बात आ रही है वो मुराद है हिदायत नूर मुजस्सम नहीं नूर हिदायत कि अल्लाह ताला ने आपको बतौर नूर भेजा है आपकी तख्लीक नूर से हुई इसकी कोई दलील नहीं है हाँ आपकी हैसियत नूर की है आपकी खिलकत नूर से हुई इसकी दलील नहीं क्यों इसलिए कि खिलकत जो है आपकी मिट्टी से हुई क्योंकि आप इंसान थे हाँ फरिश्तों की खिलकत पैदाइश नूर से हुई है लेकिन इंसान मिट्टी से बने यहाँ क्रिएशन की बात नहीं हो रही है यहाँ गाइडेंस की बात हो रही है तो क्या कहा इसलिए कि आगे की सारी बात हिदायत 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 ही आ रहा है ना फिर से हम आयत पढ़ेंगे आखिर में यानी कहते हैं कि यानी इससे मुराद मोहम्मद सल्ला वसलम है नूर से मुराद क्यों

फ़हआ नूरिमनार भी युबैन लिहाजा महमद सल्लाम उस शख़्स के लिए नूर हैं जो आप से रहनुमाई ले नूर हासिल करें युबी के हक को आप वाज़ करते हैं वामारत व मिन इनारत का तबयनूदी कसरन मकानल किताब और आपके नूर होने और आपके मुनर करने हक़ को मुनौर करने में से ये भी है कि आपने बहुत सारी चीज़ें जिसे यहूद छुपा चुके थे अंधेरे में डाल दिया था उन चीज़ों को आपने फिर से उसको उजाले में लाया तौरात को बहुत सारी चीज़ें छुपा दी थी उन्होंने हक़ को छुपा छुपा दिया था अल्लाह ने कुरान में कहा ना वला तलबिसबिल व तक हक का व अन तुम हक और बातिल को मिक्सअप मत करो और हक को छुपाओ मत तुम जानते हो उसका अंजाम क्या है हक को जानते हो और हक को छुपाने का अंजाम जानते हो इतना सब जान के भी तुम छुपाते हो मत करो ऐसा वल बस बिल बातिल हक, हक और बातिल को गट मत कर दो मिक्सअप मत कर दो म, एक दूसरे को मिला मत वो मिलाते थे कैसा मिलाते थे कोई आदमी पूछ सकता है, हक और बादल को कैसे मिलाया जा सकता है आ, वो कहते थे देखो एक रसूल अरब में आने वाला है यह बिल्कुल हक है हमारी किताबों में ये कि अरबों में एक रसूल आने वाला है लेकिन मोहम्मद वसल्लम वो नहीं है मोहम्मद वसल्लम वो नहीं है तो पहला जुमला क्या है हक दूसरा जुमला क्या है बातिल वो हक और बातिल को जोड़ दे रसूल तो आने वाला है लेकिन वो नहीं है मोहम्मद सल्लाह वो रसूल नहीं है तो हक और बातिल को मिलाते थे अल्लाह ने कहा हक और बालाओम वो तक तो हक और हक को छुपा जाते हो क्या सिफात हैं उस रसूल की डिटेल बताते नहीं थे क्योंकि डिटेल बताएंगे तो पब्लिक देखी कि देखो जो बता रहे हैं वो बिल्कुल वही सिफात हैं जो मोहम्मद सल्लाम की है पहचान जाएंगे वो सारी सिफात छुपाते थे और इसके अलावा कई बातें छुपा जाते थे तो अल्लाह तला ने फरमाया है नूर है और इबन जरीर रहमत फरमाते हैं अमिन इनारत का तबीयन यहूदी कसरन मिम्मा खानफून अमिन किताब अहल किताब जो बहुत सारी चीज़ें छुपाते थे मखफी रखते थे मोहम्मद सल्ला ने यहूद की उन बातों को जो छुपा गए थे तौरात की उसको क्या किया लोगों के सामने बयान कर दिया जिसे जिना, जिना का केस आया था वो आए जो थी रजम की छुपा रहे थे उसको तो छुपाते थे वो लोग आपने उसको बयान किया कुरान के ज़रिए से यानी कुरान में जो हुक्म आया जो भी आपने अहकाम बताए तो वो लोग छुपाते थे आप उसको बताते थे तो आप नूर थे अंधेरा क्या करता है चीज़ों को छुपा लेता है गड़ा है तो छुपा हुआ है कई लोग गिर जाते हैं उसमें तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर लाइट लगाते है, हैं बोलते यहाँ गड़े हैं बहुत यहाँ पे लाइट का खंभा लगना चाहिए क्यों इसलिए कि लोग गड़े में ना गिरें लोग गड़े में ना गिरें तो नूर की वजह से इंसान गुमराही से या गढ़े में गिरने से खाई में गिरने से बच जाता है इसी तरह से रसोल अक्रम शख्सियत है आपकी हैसियत नूर की है कि आपके आपकी तलीमात के ज़रिए से आपके उसवा को देख कर इंसान जान लेता है कि कौन सी चीज़ गढ़े में ले जाने वाली है और कौन सी चीज़ बाग में ले जाने वाली है कौन सी चीज़ जन्नत में जन्नत के बागों में ले जाएगी और कौन सी चीज़ जहन्नम के और ज़िल्लत के और रसवाई के गुमराही के गढ़े में ले जाने वाली है तो आपकी हैसियत तो नूर की है तो आप लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ़ दावत देने वाले थे तो अल्लाह ने क्या फ़रमाया किनल्ला नूरन व किताब मुबीन यकीन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया और एक खुली किताब आ गई अल्लाह ताला इसके ज़रिए से इस नेमत के ज़रिए से जिसको जो अल्लाह की रवा चाहता है उसको सलामती की राहों में उसकी रहनुमाई करता है हिदायत का अल्लाह ने ज़िक्र किया व यू खरीजो हमती नूर भी इतनी ही और अंधेरों से निकाल के अल्लाह ताली अपने हकम से उन्हें नूर की तरफ़ लाता है वह यह दी हम इलासरा मस्तीम और सिरात मस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई करता है तो अल्लाह ताली ने बात यहाँ बयान की है दो एक बातें बयान करके अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ अल्लाह त आपके बारे में फ़रमाया हुआ इन नम अलासरा मुस्तीम ए नबी यकीनन, यकीनन आप लोगों की स़रात मुस्तकीम ही की तरफ़ रहनुमाई करते हो आप बिल्कुल यकीनी तौर पर आप लोगों को दावत देते हो सरा मुस्तकीम की आप अरबी के कवायद के अतबार से देखें इन्ना जो है ये ताक़ीद के लिए आता है यकीन। लाम लामो ताकि लतद्रो हम इन्हें कहा कि व व तद्रो हम व तद्रोम लतद्रम ए नबी इसमें कोई शक नहीं है यकीन आप लोगों को सिरात मुस्तकीम ही की तरफ़ दावत देते हो ये सुर है अलमिन की आयत नंबर तिहत्तर है तो अल्लाह ताला ने साफ कुरान क़रीम में बयान किया कि आप अपनी दावत के अतबार से भी और अपनी शख्सियत के तबार से भी दावत के अतबार से भी और शख्सियत के केबार से भी लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है एक हदीस कह के बता के मैं अपनी आज ख़त्म करूँगा जा अब और बहुत प्यारी हदीस है जाब जाबन अब्दुल्ल रदी फरमाते हैं जाअमलाबी अल्लाह के नबी सल, सल सोए हुए थे आप सोए हुए थे आपके पास फ़रिश्ते आए वक़ालबाद ना इम उन फ़रिश्तों में से एक ने कहा यह तो सो रहे हैं वक़ालबाद ना इम वल़ल बकवान दूसरे ने कहा नहीं नहीं, इनकी आँखें सो रही हैं दिल जाग रहा है इनका दिल जाग रहा है फ़क़ाल शा शाह मसला फ़क्रबूल मसला और फरिश्तों ने कहा तुम्हारे इंसाब के लिए एक मिसाल है इंसाब के लिए एक मिसाल है बताओ मिसाल इनको इनको मिसाल सुनाओ फ़काल बधुम इन ना इम एक फ़र्श ने कहा है तो सो रहे हैं वकाल बम इलाइना ना इमा वलकल ब लेकिन दूसरे फ़र्श ने कहा नहीं इनकी आँखें सो रही हैं दिल नहीं वक़ालु मसलहु कमुल बना दारन इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया वजायफिया मदुब और उस घर में एक खाने की दावत रखी वबा सदाइन और एक बुलाने वाले को दाई को भेजा लोगों को बुलाने के लिए वमन अजाबद दाई य दखल मादुबा तो जो उस भेजे हुए दाई की बात को कबूल करके घर में आया उसे घर में खाने की दावत मिली नसीब हुई अकल मिन मादुबा उस सारे खानों में से उसे खाना नसीब हुआ वमन लम युजिब अद लम يدخل الدار ولم يدخل ولم ياكل और जिसको बुलाने के लिए भेजा था उस बादशाह ने या उस खाना बनाने वाले ने उस घर वाले ने जो भेजा था जो उसकी बात नहीं माना वो घर में भी नहीं आया दावत कबूल करके आया नहीं जो आया नहीं वो खाया नहीं उसको खाना नसीब नहीं हुआ फरिश्तों ने कहा इसकी तावील भी बयान कर दो ताकि समझ लें कि क्या है मिसाल फ़काल बाम ना इम एक फ़रिश्ते ने कहा तो सो रहे हैं वक़लब अदमअ ना इम वलकलब अखबान दूसरे फ़रिश्ते ने कहा नहीं इनकी आँख सोती है लेकिन दिल बेदार है बार बार क्यों ताकि ये बात अच्छी से याद रहे कि ये वही है अल्लाह की तरफ से ही ख्वाब नहीं है वक़ाल अब तवीर सुनी ख़्वाब की क्या है मतलब क्या है काल फ़द्दारजन्ना वो जो घर था जिसमें खाना बना हुआ था वो क्या है जन्नत है वाई मुहमदा सल् वो जो भेजा हुआ आदमी बुलाने के लिए वो मोहम्मद सल्ला सल है फमन अत महमदन फ़क़द अत तो जिसने महम्मद सल्लाम की बात मानी दावत कबूल की उसने अल्लाह की मानी वमन असा महमदन सल्ला फ़क्तल और जिसने सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की नाफ़रमानी की उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की वो महम्मदन सलाम फ़र्कन बई नास, और महमद सल्ला वसम लोगों में फ़र्क करने वाले हैं फ़र्क करने वाले हैं कौन आता है कौन नहीं आता बादशाह की बात कौन मानता कौन नहीं मानता तो बुलाने वाले हैं बुलाने के लिए गए हैं तो जो इनकी नहीं माना तो तो उसने भेजने वाले की नहीं मानी भेजा तो उसने था दावत इनकी थोड़ी थी दावत उसकी थी उसने इनको बुलाने के लिए भेजा था बादशाह अगर बुलाने के लिए किसी को भेजे और कोई आदमी नहीं जाए बादशाह कहे मैंने बुलाने के लिए भेजा तो तो था क्यों नहीं आया तू वो आया था बुलाने के लिए भेजा कौन था भेजने वाले को देखता तूने तो उसका इनकार किया है ने? मेरा इनकार किया उसकी दावत रद्द कर दी मेरी दावत रद्द कर दी अल्लाह अगर सबको कहे तो कौन नहीं मानेगा भाई लेकिन अल्लाह ताला इंसानों में से रसूल चुनता है और उनके पास कौमों के पास भेजता है इसकी मानने वाला अल्लाह की मानने वाला है इसकी नहीं मानने वाला अल्लाह की नहीं मानने वाला है तो जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे लोग क्या कहते थे हमारे पास आया ना कोई तो हम मानेंगे यहूद भी क्या कहते थे एक रसोई आने वाला है हम उसके साथ मिलके देखो कैसा तुम्हारे से जंग करेंगे बोलने वाले बहुत कुछ बोलते थे काश के कोई भेजता अल्लाह ताला ताकि हम उसके पीछे चलते हैं लेकिन जब भेजा तो अब कौन मानता अब अब मालूम पड़ेगा कौन मानने वाला है और कौन नहीं मानने वाला है अब बिल्कुल खुल के निखर के बात सामने आ जाएगी कि वाकई अपने दावे में सच्चा कौन है और झूठा कौन है कि कौन वाकई मानने वालों में से था कौन इनकार करने वालों में से तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं आप फ़र्क हैं लोगों के दरमियान आप फ़र्क करने वाले हैं कि आपके आने के बाद बड़े बड़े दावे करने वालों के दावों का भेद खुल गया ये सब बातें थी वाकई ये लोग मानने वालों में से नहीं थे तो कौन सच्चा मानने वाला है जैसे सहाबा और कौन झूठे हैं जो नहीं मानने वाले जैसे यहूद कुफार मुशरकिन मुनाफीन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हकीक़त खुल के दिन और रात की तरह बिल्कुल फ़र्क वाज़ हो गया तो ये मोहम्मद अलैहि वसल्लम की हैसियत है कि आप लोगों के दरमियान आपके आने से तफरीक हो गई और झूठे और सच्चे बिल्कुल खुल के वाज़े हो गए तो ये बुखारी की रिवायत है और बुखारी में हदीस नंबर सात हज़ार दो सौ इक्यासी पर ये रिवायत मौजूद है इसमें ये मालूम होता है कि मिसाल के ज़रिए से हमको ये बताया गया कि अल्लाह ने दावत रखी देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात है सुनने की और ये आप जो लोग गैर मुस्लिमों में दावत देते हैं उन लोगों के लिए भी हदीस बड़ी प्यारी है इसमें ये बात है कि अल्लाह ताला ने दावत सबके लिए रखी है तो आता नहीं आता तेरी मर्जी यानी अल्लाह ताला ने घर में जो दावत रखी वो सबके लिए आम है ये नहीं कहा कि ख़ास ख़ास लोगों को बुलाओ बल्कि ये दावत सब के लिए है यानी मोहम्मद वसल्लम की दावत सब के लिए है जो दावत कबूल कर ले घर में आने मिलेगा घर में आया तो खाने मिलेगा वो खाना सब के लिए तैयार करके रखा गया है इसे भी मालूम होता कि जन्नत पहले से बनाई जा चुकी है वो पहले से बनी हुई है और जो नबी वसल्लम की दावत कबूल करेगा उसे अल्लाह की दावत नसीब होगी खाने वाली दावत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना अल्लाह की बात मानना है कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाया मन तरमाया मैतर रसूला अता अल्लाह जिसने रसूल की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी क्यों भेजने वाला तो अल्लाह है रसूल अपनी तरफ़ से तो नहीं बोल रहा वो अल्लाह की बात बयान कर रहा है तो रसूल की मानना अल्लाह की मानना है तो इस ये बाब में हमने देखा कि नबी करीम अलैहि वसल्लम लोगों के लिए चराग हिदायत हैं और अंधेरा चला जाता है आपकी तालीमत के ज़रिए से आपकी शख्सियत खुद उजाला है जिस ज़िंदगी में आपकी तिबाह आ जाए वो दिल और वो ज़िंदगी और वो घर और वो समाज मुनवर हो जाता है लिहाजा अपने घरों में हमको इस बात का अहतमाम करना चाहिए कि रसूल करीम सलील वम के महासिन का ज़िक्र करें आपकी सदतों का अहतमाम करें आपकी तलीमात का तस्करा करें ताकि हमारे घरों में नूर आए और अंधेरा निकल जाए मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है अल्लाह आलमीन हम सब को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पहचानने की तौफीक दे आपकी तालिमात को सीखने और उसका अहतमाम करने की हम सब को अता फरमाएँ और हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को लोगों के सामने बयान करने की तोफ़ीकदा फरमाएँ व लकुम